हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 स्किन केयर मिस्टेक जो हमारे सभी भाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 मिस्टेक जिनको आपको नहीं करना, जो आप कर रहे हो जिनकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा पिंपल हो रहा है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन काली होती चली जा रही है और टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और गाइस, अगर आप अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक तो हाँ भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, अगर आपको अपनी स्किन बिल्कुल क्लियर चाहिए और स्किन में आपका बहुत ज़्यादा ग्लो हो और दाग धब्बे बिल्कुल ना हो, पिंपल की प्रॉब्लम ना हो, तो हम बात करेंगे जो 10 मिस्टेक हैं उनको आपको नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है क्या, नॉट यूजिंग फेस वॉश। मेरे बहुत सारे भाई लोग अब भी साबुन का यूज कर रहे हैं अपने फेस पे, बहुत ही तगड़े से घसड़ रहे हैं, बहुत ही तगड़े से लगा रहे हैं। तो मेरे भाई, आपको खुद पता होना चाहिए आपका जो साबुन है वो बहुत 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 ही ज़्यादा उसमें हार्ड केमिकल होते हैं। वो आपके फेस के लिए नहीं बना, वो आपकी बॉडी के लिए बना है। आपके फेस की स्किन और बॉडी की स्किन बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो आप अगर अभी तक साबुन यूज कर रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक अगर आप कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करना, फेस वॉश नहीं यूज कर रहे हो तो फेस वॉश यूज करना स्टार्ट कर दो। फेस वॉश में कौन सा फेस वॉश, मेरे भाई फेस वॉश बहुत 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 सारे ही मार्केट में, आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको ऐसा फेस वॉश यूज करना है जिसमें हार्ड केमिकल ना हो, पैराबीन वगैरह ना हो। तो आपके अगर माइंड में हो कि भाई कौन सा फेस वॉश यूज करें, तो आप इस वीडियो को 2000 लाइक पूरा करा देना, मैं नेक्स्ट वीडियो टॉप फेस वॉश की ला दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, साबुन का यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। तो गाइस, अब बात करेंगे सेकेंड मिस्टेक की जो मैं भी पहले करता था। मैं बात कर रहा हूँ मॉइस्चराइजर। अगर आपने फेस वॉश किया है तो जस्ट आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और मॉइस्चराइज रहेगी, जिससे आपकी स्किन में रूखापन नहीं आएगा और आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी। तो अगर आप मॉइस्चराइजर का यूज नहीं करते तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेके यूज करना स्टार्ट कर दो। तो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि फेस वॉश आप कोई भी यूज करना तो उसमें हार्मफुल केमिकल ना हो, तो ऐसे ही आपके स्किन के लिए हार्मफुल जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज नहीं करना। वो चाहे क्रीम हो, चाहे सन क्रीम हो, चाहे मॉइस्चराइजर हो, चाहे जो हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें हार्मफुल केमिकल ना हो। तो गाइस, अब बात करेंगे फोर्थ जो बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी अगर आप यूज नहीं कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ सनस्क्रीन की। बहुत सारे भाई लोगों को नहीं पता होगा कि इसको यूज कैसे करना है और ये यूज क्यों करना है। मेरे भाई, आपको जो टैनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपके जगह जगह जो कालापन होना स्टार्ट हो गया, धूप की वजह से जो सन देवता हैं, सूरज महाराज हैं, आपको काला कर रहे हैं, अगर आप सनस्क्रीन यूज करोगे तो आपका जो टैनिंग की प्रॉब्लम है नहीं होगी कभी। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते तो यूज करना स्टार्ट कर दो। बस अब बात करेंगे पांचवी मिस्टेक है आपके अगर कहीं पिंपल निकला है तो आपको चुल मची रहती है। कैसी चुल, उसको फोड़ने की, उसको दबाने की, बार बार मिरर देख कर उसको ऐसे दबाना जिसके कारण वो आप उसको फोड़ देते हो। फोड़ने के कारण वो अच्छा खासा आपको दहेज में आपके फेस पे अच्छा खासा दाग दे देता है, जो काफ़ी समय तक आपके फेस पे एक चांद का दाग जैसे होता है वैसे बन के रहेगा और बहुत ही ख़राब लगने वाला है। तो आपको ये नहीं करना। अगर आपको पिंपल निकले हैं तो उसको आपको छेड़ना नहीं है, उसको आपको टच नहीं करना, उसको आपको दबा के फोड़ना नहीं है। तो गाइस, अब बात करेंगे छठवीं मिस्टेक की। मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ना करना। आप सभी के माइंड में होगा कि ध्रुव भाई, स्किन केयर मिस्टेक से इसका क्या लेना देना, एक्सरसाइज का क्या लेना देना। बहुत लेना देना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और स्वेटिंग होती है, जिससे आपकी स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी और ग्लोइंग होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो। 30 से 40 मिनट डेली आप करना स्टार्ट कर दो, आपको इसका फर्क खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे सातवीं मिस्टेक, अच्छी डाइट ना लेना। डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप कुछ भी लगा लो, कितना भी महंगा क्रीम लगा लो, कितना भी महंगा मॉइस्चराइजर, कुछ भी फेस वॉश, कितना भी महंगा ट्रीटमेंट आप बाहर से करवा लो,
वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी रहेगा। आपको अगर वाकई में हमेशा के लिए अच्छी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, क्लियर स्किन चाहिए, तो आपको डाइट भी क्लियर करनी पड़ेगी। बाहर की तली भुनी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, जंक फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। अब बात करेंगे आठवीं मिस्टेक की। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फेस वाश का यूज़ करना। आपसे एक माइंड में ध्रुव भाई, आपने अभी बोला कि फेस वाश यूज करो, साबुन मत यूज करो, तो मेरे भाई फेस वाश यूज करो। ऐसा नहीं दिन में आप 10 बार यूज करो, तो कुछ भी आप कुछ भी कितना भी वो अच्छा हो, अगर आप उसको ज़्यादा ओवर करोगे तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो आपको फेस वाश करना है बट ज़्यादा नहीं करना, आप दिन में 2 बार कर सकते हो। तो गाइस अब बात करेंगे नवी मिस्टेक, मैं बात करूँ पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पीते हो तो आपकी स्किन की क्वालिटी नहीं सही होने वाली, आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं होने वाली, इस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन पे होने वाली, पिंपल की बहुत वगैरह वगैरह। तो अगर आप पानी नहीं पीते हो तो पानी पीना स्टार्ट करो, पानी कम पीते हो तो पानी पीना स्टार्ट करो। पानी कम से कम आप 3 लीटर तो एक दिन में पीना ही पीना आपको है। अब बात करेंगे 10वीं मिस्टेक, जो कि आज की आखिरी और लास्ट और सबसे बड़ी मिस्टेक हम बॉयज की है। मैं बात करूँ मास्टरबेशन, अगर आप इसको कर रहे हो तो आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी बहुत ही ज़्यादा, आप कर रहे हो तो इसको आप स्टॉप करो, एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते तो मेरे भाई कम करो, कम कम करके बिल्कुल इसको स्टॉप कर दो, आपकी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस ये थी वीडियो, आई हो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस वीडियो का लाइक हम तुम्हारा भाई 2K रख रहा है। और अगर आपको फेस वाश के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो का लाइक एम पूरा कराना 2K, मैं नेक्स्ट वीडियो फेस वाश की ला दूंगा। तो अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, हाई वाली फीलिंग आई हो, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.